अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज हम सिंथन टॉप जा रहे हैं, जहां पर सबसे ऊपर जाकर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, माइनस में अक्सर टेम्परेचर जाता है, और जिसके बारे में हमने बहुत ज़बरदस्त तारीफ़ें सुनी हुई हैं कि वहाँ पर हर मौसम में बर्फ़ मिल जाती है, इतना टेम्परेचर डाउन होता है। तो आज हम लोग सिंथन टॉप जा रहे हैं, हम ऐसा कुछ सोच तो नहीं रहे कि हमें वहाँ पर कुछ स्नोफॉल वगैरह मिले, लेकिन अगर मिल जाती है तो हमारे पास इंतज़ाम भी है। लेकिन हमारा सोचना यही है कि हम इतने टॉप पर जा रहे हैं, अगर तो हम जो हमारे माउंटेन हैं हम उनकी टॉप पे जाके उनके सिरों को देखें, उनके किनारों को देखें, और अगर मौसम ख़राब होगा तो हम वो नहीं देख सकते। हम स्नोफॉल देखने के लिए विंटर में आने वाले हैं दोबारा, इसलिए अभी हमें सिर्फ और सिर्फ माउंटेन देखने हैं जिनकी हाइट पर पहुंचकर हमको उनके सिरे देखने हैं। अगर हमें वो नहीं दिखे तो सब बेकार है, इसलिए हम खुद यही चाह रहे हैं कि मौसम हमें क्लियर मिले। और मौसम हमें लग भी रहा है कि अभी क्लियर है, हमें जैसा कि यहाँ पर लग रहा है वैसा ही हमें अगर आगे भी मिला तो बहुत अच्छा रहे, क्योंकि जो हम सोच कर जा रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। हम 12,414 फीट की हाइट पर ऊपर जा रहे हैं, और गाइज ये पहाड़ जो हम सामने देख रहे हैं हम इन्हीं में घूम रहे हैं, और इसी के ही सर्कल में हमें गोल गोल घूमते हुए ऊपर टॉप पे पहुंचना है, जो यहाँ का ज़बरदस्त इन्होंने रोड बना रखे हैं जिनको घूमते हुए हमें पहाड़ के टॉप पर पहुँचा देंगे। तो वो साथ में ये रिवर चल रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, गाँव के लोग हैं, जगह जगह लोग यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हैं, जो यहाँ के लोकल हैं वो आए हुए हैं, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनकी फैमिलियाँ बैठी हैं और वो लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। और बिल्कुल गाइस हमारे ही तरह, हमारे भोपाल की तरह सिलेंडर लेकर, चूल्हे लेकर पहुँचे हुए हैं, अपने साथ सारी खाने पकाने की चीज़ें हैं, और वो वहाँ पर बना रहे हैं और खा रहे हैं। तो बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ होता है, वो हमें उस तरह से याद दिला रहे हैं, क्योंकि जगह जगह हर जगह पिकनिक स्पॉट्स हैं, कहीं भी रुक सकते हैं, अपना चूल्हा निकालें और खाना बना लें, कुछ साथ में खाना घर से बना हुआ लाएं तो वो खा लें, कहीं पर भी चादर बिछाएं, बैठ जाएं, कैंपिंग करें, कुछ भी करें। तो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है पूरा कश्मीर कि यहाँ पर हमें जगह नहीं ढूंढनी कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, हमें तो जगह जगह कहीं पर भी बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी खूबसूरतियाँ जो हमने यहाँ पर देखी हैं थोड़ी बहुत हमारे भोपाल में भी हैं, तो हम लोग भी उस चीज़ को इन्जॉय करते हैं। और देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ के कश्मीरी हमारे भाई ये भी इंजॉय करते हैं, ये भी घरों से निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पिकनिक करते हैं। तो वो जज्बा, वो चीज़ें इन लोगों में भी नज़र आ रही हैं जो हम में हैं, जो हम लोग निकलते हैं, मौका ढूंढते हैं और फौरन पिकनिक पे निकल जाते हैं, तो वो चीज़ें इन लोगों के अंदर भी मुझे दिखीं। ये भी तो ग्रुप बना कर आए हुए हैं फैमिलीज़ के साथ, कुछ लोग 10-12 हैं, तो कुछ 7-8 हैं, तो कुछ 4-5 भी हैं, और बैठे हैं जगह जगह खाना खा रहे हैं मज़े से। तो ये इंजॉय कर रहे हैं और इसी तरह हम भी इंजॉय कर रहे हैं, और हम करते हैं इस तरह इंजॉय, और हम लोगों को यही चीज़ सिखाते हैं कि वक्त जो है, जो वक्त आपको मिले वो जी लो, जो मौका आपको मिले, जो पल आपको मिले, जो लम्हा आपको मिले उसे इंजॉय कर लो, उसे जी लो, वरना आगे ज़िंदगी में लोग कल की फ़िक्र करते हैं। कल की फ़िक्र नहीं करना है दोस्तों, कल किसी ने भी नहीं देखा, कल का किसी को नहीं पता, अच्छा भला इंसान सोता है दूसरे दिन उठता ही नहीं है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी का आज जिए, कल की फ़िक्र मत करें। पंछी भी जब अपने घर को जाते हैं तो पेट भर के जाते हैं, दूसरे दिन का दाना चोंच में लेके नहीं जाते, दूसरे दिन का उन्हें पता है कि अगर ज़िंदा रहे तो अल्लाह खिलाएगा। वही सोच इंसानों की भी होनी चाहिए, कल की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, आज में जिए, कल हम अगर ज़िंदा रहे तो हमारे परवरदिगार ने हमारे हिस्से में जो रिस्क लिखा है हमें मिल ही जाना है। तो आज में जिए और आज की फ़िक्र करें, कल की फ़िक्र मत करें गाइस, खुश रहें, एंजॉय करें, बस यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। दूसरों से बिल्कुल ना जलें, किसी से ना जलें, कोई भी किसी भी मकाम पर है, किसी भी स्टेज पर है, अल्लाह ताला ने उसे नवाजा है, अगर अल्लाह ताला ने वो पोजीशन, वो मकाम, वो स्टेज उसे दी है तो वो अल्लाह का फ़ैसला है। आप अल्लाह के फ़ैसलों में दखलंदाजी नहीं कर सकते। आप अपने भाइयों को देख के खुश हो जाएँ, आप उनसे जलें नहीं, आप उनसे खुश हों, तो अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा नवाजेगा। और अगर आप जलते हैं, आप खुश नहीं होते हैं, तो फिर आपका रिस्क तंग हो जाएगा, आपकी उम्र तंग हो जाएगी, आपकी खैर बरकत ख़त्म हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलों का दौर शुरू हो जाएगा। तो जलना छोड़ दीजिए, खुश रहना सीखिए, एंजॉय करना सीखिए, इसी में ज़िंदगी है गाइज़।
यहाँ पर 12,414 फिट ऊपर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। जिन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उनको यहाँ ऑक्सीजन की जो है कमी ज़रूर महसूस होगी। तो वो ऐसे लोग या तो यहाँ पर आए नहीं, और अगर आते हैं तो उनके साथ इंतज़ाम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ टॉप पर कान बंद हो रहे हैं, जिस तरह की अक्सर फ़्लाइट में कान बंद हो जाते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब बहुत कम है, मामूली है। जितनी देर हम लोग यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, खड़े हो रहे हैं, उसके बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हमें वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी लोगों को, और हमें भी थोड़ा थोड़ा सा फील होने लगा है। तो हम उससे पहले यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर आसमान बहुत नज़दीक नज़र आ रहा है, पहाड़ों के सारे सिरे एकदम क्लियर नज़र आ रहे हैं। टॉप के ऊपर हम आए, करीम भाई ने कहा यहाँ खाना मुर्गा सब मिलेगा, यहाँ कुछ भी नहीं है। भाई कमाल ने दो टोस्ट के ऊपर डाल दिया, और यहाँ पे कौवे भी मुझे मुर्गी नज़र आ रहे हैं। पर ही कचरा फेंक कर जाते हैं, ये बहुत गलत बात है। हम ही चाहें तो इसको खूबसूरत बना सकते हैं, और हम ही चाहें तो इसका ये हाल कर सकते हैं। आज अगर इसमें इतना कूड़ा है तो कल ये कूड़ा डबल हो सकता है, और यहाँ की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखते हुए आए, अपना कचरा अपने साथ डाल कर ले जाएँ, डस्टबिन देख के वहाँ डाल दें। लेकिन यहाँ से तो कोई रास्ता ही नहीं है ना इसके जाने का, तो यहाँ पर कचरा प्लीज़ ना फेंकें, ये गलत है। पूरा सब कुछ गवर्नमेंट के ज़िम्मे नहीं है, हम लोगों के भी ज़िम्मे हैं बहुत सी चीज़ें, हमें भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ इतने ऊपर तो वो लोग आकर बैठ नहीं सकते, या यहाँ पर तो वो किसी को बिठा नहीं सकते कि कचरा फेंकने से मना करें। तो जो लोग आ रहे हैं वो ही इतना फर्ज निभाएं, बच्चों को मना करें, अगर किसी को फेंकता हुआ देखें तो टोक दें, मना कर दें। यहाँ पर कोई फ़ाइन तो नहीं है कि थूकने पर 50 रुपये या फिर कचरा फेंकने पर 100 रुपये फ़ाइन लिए जाएंगे, लेकिन इसके हमारा खुद का फ़र्ज़ है, हमें खुद सोचना चाहिए। हमारी वैली है, हमारा कश्मीर है, हम इसको साफ रखेंगे तभी हम दुनिया को दिखा पाएंगे। आप कैमरे का जूम देख रहे हैं, उसने पहाड़ पे पड़ी हुई बर्फ को कितना जूम किया था। अब आप डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस देखें। अब आप फिर से जूम देखें।
तो गाइज़ यहाँ हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं। हम यहाँ पेट्रोल टैंक के पास एक रेस्टोरेंट हमें मिल गया। घटा भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो आगे चलना भी इस वक्त ठीक नहीं था और सबको भूख लगी थी, तो हम लोग सब यहाँ पर रुक गए। और अब हम इस पैराडाइज रेस्टोरेंट में लंच करेंगे और हम यहाँ पर बैठ गए हैं, ऑर्डर भी दे दिया है। Yeah.